हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आज मैं सिंपल का ये रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश को वापस से रिव्यू करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसको अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में रिव्यू किया है, पर शॉर्ट्स में मैक्सिमम सिर्फ एक मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं और एक मिनट में सब कुछ डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं था। पर उस वीडियो पे अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ये फेस वॉश ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को ये सूट करेगा या नहीं, और एक एक करके सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए आज मैं सिंपल का ये रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश को वापस से रिव्यू कर रही हूँ और ये रिव्यू डिटेल में होने वाला है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये फेस वॉश तीन साइज में आता है, 50, 100 और 150 ml। मेरे पास है साइज 150 ml और इसका प्राइस है 385 रुपीज, पर ये ऑनलाइन डिस्काउंट पे मिल जाता है। ये जेल बेस्ड फेस वॉश है और एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसमें कोई भी कलर, परफ्यूम और हार्श केमिकल्स नहीं है। ये 100% सोप फ्री फेस वॉश है, स्किन पे बहुत जेंटल है और अच्छे से लादर करता है। फेस वॉश करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया है और स्किन खिंचेगा नहीं। ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, पर क्योंकि ये जेल बेस्ड फेस वॉश है तो मैं ड्राई स्किन को ये रिकमेंड नहीं करूंगी। जेल बेस्ड होने की वजह से ये आपके स्किन को और ज्यादा ड्राई कर सकता है। पर सिंपल का ही एक और फेस वॉश है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। ये फेस वॉश को नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली, एक्ने प्रोन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं। मेरा स्किन सेंसिटिव, ऑयली, एक्ने प्रोन है और मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। ये फेस वॉश का क्वालिटी एक हाई एंड फेस वॉश की तरह है और ये फेस को अच्छे से क्लीन करता है। मेरे हिसाब से आपको एक बार तो ये जरूर ट्राई करना चाहिए। इस प्राइस में सिंपल का ये फेस वॉश बहुत अच्छा क्वालिटी का है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।